एवरीवन नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल। सो अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ सबसे पहले। सो मेरा नाम है निधि एंड आई एम अ मदर ऑफ अ 2-year-old किड। नाउ आज का वीडियो इज ऑल अबाउट दिस इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप एंड मैं एज अ मदर ऑफ 2-year-old किड आई हैव ऑलरेडी यूज दिस प्रोडक्ट। सो मुझे पता है कि इसकी कब इम्पॉर्टेंस है, कब इसे यूज कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू टूडेज वीडियो, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ब्रेस्ट पंप होता क्या है। नाउ ब्रेस्ट पंप एक ऐसी डिवाइस है जिससे मदर्स अपना ब्रेस्ट मिल्क जो है वो आराम से पंप आउट करके इस बॉटल में स्टोर करके रख सकती हैं और फिर बाद में इसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप के बारे में और इसको हम क्यों यूज करते हैं और इसकी क्या जरूरत कब पड़ती है। नाउ इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप एक वेरी इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है फॉर ऑल द न्यू मॉम्स एंड मदर्स टू बी। तो इनिशियली क्या होता है, जैसे ही बेबी बर्थ लेता है वी स्टार्ट फीडिंग बेबी। कोई भी चाइल्ड डॉक्टर या पीडियाट्रिशियन आपको रिकमेंड करेगा बेबी को फीड करने के लिए एंड बेबी को ब्रेस्ट मिल्क बहुत ज़्यादा बेबी के लिए इंपॉर्टेंट होता है फॉर होल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द बेबी। एंड हम बेबी को फीड करना पड़ता है फॉर ऑलमोस्ट मिनिमम 6 मंथ एंड मैक्सिमम 1 year to 2 years। इट्स ऑल अप टू यू एंड योर बेबी को कितना फीड करना चाहता है। नाउ कमिंग टू दिस ब्रेस्ट पम्प, हम ब्रेस्ट पम्प को तब यूज़ करते हैं। नाउ देर आर मेनी वुमेन जो बाहर जाती हैं एंड उनको साथ में बीबी को कैरी नहीं कर सकती हैं बट उनको साथ में ही बीबी को फीड भी करना है। सो दैट टाइम आप ब्रेस्ट पंप को यूज़ कर सकते हैं जिससे कि ब्रेस्ट पंप से आप उसको मिल्क निकाल के स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं एंड बेबी को जब भी ज़रूरत हो फीड कर सकते हैं। सो दैट टाइम ब्रेस्ट पंप काफ़ी हेल्पफुल रहता है एंड फॉर ऑल द वर्किंग वुमेंस जो बाहर काम करती हैं, बेबी को साथ में नहीं ले जा सकती हैं या फॉर सम रीज़न आपको बाहर जाना है और आप बेबी को साथ में नहीं ले जा सकते, तब आप उस ब्रेस्ट पंप को यूज़ कर सकते हैं। सो दिस डिवाइस इज क्वाइट हेल्पफुल। नाउ नेक्स्ट इसका यूज़ ये है कि समटाइम्स मिल्क प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है। ना मोस्ट ऑफ द वुमेन फेस प्रॉब्लम ये फेस करती है कि उनका मिल्क प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो रहा है, तो दैट टाइम ऑल्सो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है क्योंकि ब्रेस्ट पंप से हमारे ब्रेस्ट में सक्शन होता है, सक्शन से हमारा मिल्क प्रोडक्शन का जो प्रोडक्शन होता है वो बढ़ जाता है। ना साथ में ही समटाइम्स जो बेबी होता है वो लैचिंग में उसे प्रॉब्लम होती है, वो अच्छे से निपल्स को पकड़ नहीं पाता है और उसको पीने में डिफ़िकल्टी होती है, दैट टाइम ऑल्सो हम इसको यूज़ करते हैं। ब्रेस्ट पम्प काफ़ी उस टाइम भी काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। सो बहुत सारे डिफरेंट सिचुएशन में जब मदर्स अपना डायरेक्टली ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाती हैं तब ज़रूरत पड़ती है एक अच्छे ब्रेस्ट पम्प की। ना ये जो ब्रेस्ट पंप है ये फुली इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप है, इसमें डिफरेंट मोड्स हैं और ये इजी टू कैरी एंड हैंडल है। नाउ इसमें ये जो फुली इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप है, नाउ इसमें 2 मोड्स हैं, स्टिमुलेशन मोड एंड एक्सप्रेशन मोड। स्टिमुलेशन मोड वो होता है इनिशियली मिल्क ऊपर से उतरता है, जिसको बोलते हैं उतरना। तब मिल्क जब उतरने लगता है तब वो स्टिमुलेट करने के लिए इसमें स्टिमुलेशन मोड है एंड देन और दूसरा है एक्सप्रेशन मोड जिसमें मिल्क स्क्वीज आउट हो जाता है और निकल के आता है। तो उसमें डिफरेंट लेवल्स हैं। सो दोनों ही स्टिमुलेशन एंड एक्सप्रेशन मोड में 9 different levels हैं एंड आप 9 different levels पे इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। फुली चार्ज करने के बाद फिर आप इसे यूज कर सकते हैं। लॉन्ग प्रेस करते ही आपका जो मोटर है वो ऑन हो जाएगा और आप इसकी पावर को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं एंड मोड को चेंज कर सकते हैं। हार्ट मोड जो है वो दिखाता है स्टिमुलेशन मोड और जो ड्रॉपलेट सिंबल है वो दिखाता है एक्सप्रेशन मोड। और आप सेम ही जो एरो साइन है उससे आप इसको एक्सप्रेशन और स्टिमुलेशन मोड में चेंज कर सकते हैं। ये बीच में चार्जिंग बैटरी है एंड इंक्रीज डिक्रीज का आप अपने अकॉर्डिंग लेवल बढ़ा सकते हैं। सो आफ्टर यूज लॉन्ग प्रेस करके सेम आप इसको ऑफ कर सकते हैं मोटर को। नाउ ये वाला जो इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप है इसमें स्मार्ट स्क्रीन टच फीचर है जिसे आप आसानी से यूज कर सकते हैं और इसका जो मोटर है वो क्वाइट कॉम्पैक्ट है और नॉइस प्रूफ है, मतलब ज्यादा आवाज नहीं करेगा। नाउ ये जो ब्रेस्ट पंप है इसे यूज करना काफी सेफ है बिकॉज इसमें जो प्लास्टिक यूज की गई है वो BPA फ्री है। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में देखते हैं कि इस पूरे ब्रेस्ट पंप के साथ इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं और कैसे आप इस ब्रेस्ट पंप को असेंबल कर सकते हैं।
सो लवलैब का इलाइट इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप इस तरह के पैकिंग में आता है। खोलने के बाद आपको प्रोडक्ट्स इस तरह से पैक्ड होके मिलेंगे। अब पैक में आपको फुल बॉडी के साथ कैप, एक्स्ट्रा वॉल्स, ब्रेस्ट पैड, चार्जर और एक कैरी करने के लिए एक छोटा बैग मिलेगा। तो हम बाकी के पार्ट्स भी देख लेते हैं। इसमें दो डक्टेबल वॉल्व हैं, इलेक्ट्रिक यूनिट है, मिल्क कंटेनर है, मसाज कुशन, ब्रेस्ट पंप बॉडी है ये, डस्ट कैप है ये, और दो सिलिकन डायफ्राम है, डक्टेबल वॉल्व है एंड टीट एंड कैप्स हैं, एक निपल है, चार्जर है और ब्रेस्ट पैड्स हैं। नाउ अब देख लेते हैं कि हमें इसे असेंबल कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें ब्रेस्ट पंप बॉडी को लेना है और ऊपर की तरफ हम सिलिकन डायफ्राम लगाएंगे और नीचे की तरफ डक्टेबल वॉल्व लगाएंगे। और जहाँ पे हमने सिलिकन डायफ्राम लगाया है वहाँ पे हमारा लगेगा इलेक्ट्रिकल यूनिट और उसको फिक्स कर दीजिए। और नीचे जहाँ पे हमने डक्टेबल वॉल्व लगाया है वहाँ पे लगेगी बॉटल, तो वहाँ पे बॉटल फिक्स कर देंगे। आगे की तरफ जहाँ फनल है वहाँ पे हमें लगाना है मसाज कुशन और उसके ऊपर आप कवर लगा सकते हैं उसे कवर करने के लिए। सो नाउ द ब्रेस्ट पंप इज रेडी टू यूज। यहाँ पे इसका यहाँ पे ये पेटल है, मसाज पेटल है, जिससे आपके ब्रेस्ट को बिल्कुल भी हार्म नहीं होता है एंड बहुत ही सॉफ्ट एंड स्मूथ रहता है। सो इससे आपको बिल्कुल भी अनकम्फर्टेबल फील नहीं होगा। एंड साथ में ही इसको इस पेटल को यहाँ पे फनल में एडजस्ट करते हैं और एडजस्ट करने के बाद फिर आप इसको कवर कर सकते हैं कि इसमें कोई भी डस्ट वगैरह ना जाए। नाउ बेस्ट पार्ट अबाउट दिस ब्रेस्ट पंप ये है कि ये इजीली चार्जेबल है। जिस तरह से आप अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं उसी तरह से इसको आप चार्ज कर सकते हैं। ये टॉप पार्ट जो है फुली टच स्क्रीन है और इजीली चार्जेबल है। नाउ इसको टू वेज में आप यूज कर सकते हैं, चार्ज करते करते भी यूज कर सकते हैं और चार्ज करके भी रख सकते हैं और फिर यूज कर सकते हैं। सो ये जो चार्जर है ये डिफरेंट वेज में आप मल्टीपल वेज में यूज कर सकते हैं। नाउ इसको आप घर पे भी चार्ज कर सकते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं तो कार में। सो इसको यूज़ करने के लिए आपको इस तरह से अपने ब्रेस्ट पे इसको प्लेस करना है और सबसे पहले आपको स्टिमुलेशन मोड ऑन करना है और उसके बाद एक्सप्रेशन मोड, जिससे आपका मिल्क एक साथ इकट्ठा हो जाएगा बॉटल में और फिर आप बॉटल को खोल के इसको सिक्योर करके रख सकते हैं या तुरंत यूज़ कर सकते हैं। Now coming to this breast pump, now this breast pump is totally advanced formula, आसानी से use कर सकते हैं and overall मुझे ये breast pump बहुत अच्छा लगा, easy to use है, आसानी से आप इसे wash कर सकते हैं, parts भी बहुत ही कम है जो आपने clean करना हो। So I totally love this product. So अगर आपको इस product से related कोई भी doubt हो या कोई भी question है दिमाग में तो आप comment box में लिख के पूछ सकते हैं। I will try my best मैं सबके answers दे सकूं। Now अगर आपको ये breast pump खरीदना है या purchase करना है तो आप description box में link भी check कर सकते हैं, वहाँ से भी मिल जाएगा। Now क्योंकि ये Lovelab का product है तो आपको lovelab.com पे भी मिल जाएगा and even Amazon पे भी ये easily available है। And that's all for the today's video. Hope आपको ये video helpful लगा हो। अगर video helpful लगा है तो like जरूर कर दीजिएगा, channel को subscribe जरूर कर दीजिएगा and do share the video। अगर आप जिसे भी जानते हैं जिनको जो mother to be हैं, so उनको maybe ये ज़रूरत हो सके, so you can share to your friends and family members too. So thanks for watching. मैं मिलती हूँ आपको next video में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। Take care everyone. Bye.